सभी सम्मानित बहुजन साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान में चल रही सरकार जो कि मनवादियों की है, इस सरकार में इतने बलात्कार, इतने अत्याचार और इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं कि इनकी कोई गिनती नहीं। इसलिए हम सबको एकत्रित होकर, संगठित होकर और मजबूती से इन मनवादियों से लड़ना होगा। आज जो हमारे पढ़े लिखे साथी बेरोजगार घूम रहे हैं, जनता बेरोजगारी से परेशान है, वहीं सरकार इस पर कोई भी प्रबंध, कड़ा एक्शन नहीं लेने को तैयार है। इसलिए मेरा कहना है, सभी लोग अपने बेटे बेटियों को स्कूल जरूर भेजें और उनको शिक्षा ग्रहण अवश्य करवाएं। बिल्कुल सही कहा आपने सर, कल से ही हम अपने बेटे बेटियों को स्कूल भेजेंगे। मैं भी कल से अपनी बेटी को स्कूल भेजूंगी ताकि वो पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर बन सके। बिल्कुल सही कहा आपने, सभी बेटी बेटियों को स्कूल जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो सब लोग अपनी बेटी बेटियों को पढ़ाओ और शेर की भांति लड़ाओ। साथियों, जब हमारे बाबा साहब स्कूल में पढ़ रहे थे, तब प्रिंसिपल ने एक सवाल पूछा था, बोला कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो जो वहाँ के बड़े लोग थे, उन्होंने जवाब दिया कि सूरज, कोई बोला चांद, सितारे। तो मास्टर ने कहा ठीक है। इसके बाद मास्टर ने पूछा, कोई और है जो बताना चाहता हो? तब बाबा साहब ने कहा कि मैं भी बताना चाहता हूँ। तो बाबा साहब ने क्या जवाब दिया, बड़ा प्यारा जवाब दिया दोस्तों, कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। तब बाबा साहब ने जवाब दिया कि मास्टर साहब, वो ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, और वो है घड़े का पानी। सिर्फ मैं इसे देख सकता हूँ लेकिन पी नहीं सकता, ना छू सकता हूँ। साथियों, इस तरह हमारे बाबा साहब का अपमान होता और पानी तक पीने का अधिकार नहीं था। फिर बाबा साहब ने निर्णय लिया कि मैं देश में ऐसा कानून लाऊंगा, ऐसा संविधान लिखूंगा जिससे सभी देशवासियों को बराबर का अधिकार होगा। तभी हमारे बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया। इसलिए साथियों, आज हम सबको संगठित होने की ज़रूरत है, अपने समाज को एकत्रित करने की ज़रूरत है, और ये जो सत्ता पे चल रही सरकार है, इसको जड़ से उखाड़ने की ज़रूरत है। इसलिए हम सभी को आज से संगठित होकर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और सब लोगों को संगठित करके अपने कारवा को आगे बढ़ाना है। तो लास्ट में इतना ही, जय भीम जय संविधान, जय भीम जय संविधान।